दोस्तों, आचार्य चाणक्य की नीतियाँ संसार की सर्वश्रेष्ठ नीतियों में से एक मान जाती हैं। आचार्य चाणक्य एक श्रेष्ठ अर्थशास्त्री होने के साथ साथ एक महान राजनीतिज्ञ एवं कूटनीतिज्ञ थे। उनके द्वारा बताई गई चाणक्य नीति को सीखने से आप जीवन की किसी समस्या को आसानी से सुलझा सकते हैं। साथ ही साथ चाणक्य नीति का ज्ञान आपके लक्ष्य को पूरा करने में भी सहायक सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, अगर आपका प्यार आपसे दूर हो चुका है, आपका प्यार आपसे बिछड़ गया है और आप अपने प्यार को हासिल करना चाहते हैं, उसे पाने के लिए पल पल तड़प रहे हैं, आप चाहते हैं कि जिस तरह से आप अपनी प्रेमिका के लिए तड़पते हैं वह भी आपके लिए उतना ही तड़पने लगे और आपके नाम की माला जपने लगे और हर पल आपके ख्यालों में कोने लगे, तो बस आप एक उपाय कर लो। अक्सर आपने YouTube पर कई ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिनमें ये दावा किया जाता है कि ये उपाय करने के बाद स्त्री आपके प्यार में पागल हो जाएगी, मगर नहीं होती है। तो आज का ये वीडियो एकदम ओरिजिनल है, जिसे देखने के बाद आपको ये कन्फर्म हो जाएगा कि वाकई ये उपाय असरदार है। इसे करने के बाद आप किसी भी स्त्री को अपने प्यार में दीवाना कर सकते हैं, पागल कर सकते हैं। बस आपको ये उपाय करना है, आप अपने औजार पर तिल लगाना है, फिर आपको ये शब्द बोलना है। शब्द क्या है और कैसे बोलना है ये जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बता दें कि आपको क्या उपाय करना है। दोस्तों, आपको औजार पर तेल लगाना है, सरसों का तेल लगाना है और फिर आप अपनी प्रेमिका का नाम तीन बार अपने मन में ले लें और फिर एक बार अपना नाम ले लें और फिर आप तेल को अच्छे से मसाज कर लें। मसाज करने के बाद फिर से आप अपने हाथ को औजार पर से हटाएं और तीन बार प्रेमिका का नाम लें और दो बार अपना नाम लें। फिर देखें कि स्त्री आपके प्यार में पागल होती है नहीं, स्त्री आपको बात करने के लिए बेचैन हो जाएगी। दोस्तों, याद रखिए ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं और कहीं पे भी किसी भी समय कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस उपाय को एक बार अवश्य करें, जिससे आप अपनी मोहब्बत को अवश्य पा लोगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और आप भगवान श्री कृष्णा जी के सच्चे भक्त हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।